फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू सोशल के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तर कोरियाई फूड के बारे में। कोरियन फूड देश विदेशों में बहुत ही ज्यादा फेमस है, पर आप शायद ये बात नहीं जानते कि उत्तर कोरिया में खाने की बहुत ही ज्यादा कमी है। फिर भी इस कमी को उत्तर कोरियन लोग कैसे पूरा करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। अपने अनियंत्रित परमाणु कार्यक्रम के चलते उत्तर कोरिया को कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। बीते साल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत कई देशों ने उत्तर कोरिया पर उसके परमाणु कार्यक्रम की वजह से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंधों के जरिए उत्तर कोरिया के आय के स्रोत पर शिकंजा कसने की कोशिश की है। उत्तर कोरिया से कपड़ों के निर्यात पर रोक भी लग गई है। रोक के अलावा तय सीमा तक ही कच्चे तेल के आयात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने भी उत्तर कोरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों के चलते उत्तर कोरिया के सामने आर्थिक संकट आ गया और खाने की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाई। इसके बावजूद कोरियन खाना देश विदेशों में इतना पॉपुलर क्यों है? ऐसे हालात में उत्तर कोरियाई लोगों ने खाने की कमी को दूर करने के लिए कुछ नए पकवान बनाने शुरू कर दिए। वैसे तो उत्तर कोरिया में पिछले कई सालों से खाने की कमी एक आम सी बात हो गई है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने एक सामान्य सामग्री से अलग अलग तरीके का खाना बनाने की विधियाँ सीख ली है। जिस पकवान की तस्वीर ऊपर लगी हुई है, इसका नाम सोका डूजिनियन है। इसे आम भाषा में क्विक केक भी कहते हैं। इस केक को बनाने के लिए उसे बेक करने की जरूरत नहीं पड़ती और इसे बनाने में बहुत ही कम वक्त लगता है। होंग यून हे कुछ समय पहले उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया में भाग गई थी। उन्होंने बताया कि वो भुट्टे से स्वादिष्ट केक बना लेती हैं। होंग यून हे 16 में एक रेस्टोरेंट चलाती है। वे बताती हैं कि उत्तर कोरिया में गरीब लोग आमतौर पर भुट्टा खाते हैं क्योंकि ये चावलों से भी सस्ता होता है। होंग यून हे अपने रेस्टोरेंट में ये खाना बनाकर दिखाती है जो उत्तर कोरिया के लोग खाने की कमी के दौरान बनाते थे और पूरा करते हैं। इस खाने का नाम इंजेक्टर है। ये शाकाहारी प्रोटीन से युक्त है। इसका दूसरा नाम ह्यूमन मीट भी है। ये एक शाकाहारी मीट की तरह होता है जिसे सोयाबीन से बनाया जाता है। इसका नाम इंजोगोगी बाब है। ये इंजोगोगी या वेज मीट के साथ बनाया जाता है। इसे चावल के साथ या फिर मछली के साथ खाया जाता है। कभी कभी इसमें अंगूरों का भी प्रयोग किया जाता है। ये एक तरह का सॉस है जिसे अलग अलग सब्जियां मिलाकर बनाया जाता है। इसमें चावल के दाने और सूअर का खून भी मिलाया जाता है। कुकसुंगा नाम यह डिश पॉपकॉर्न जैसी दिखती है। इसे सोयाबीन के दानों के साथ चीनी मिलाकर बनाया जाता है। उत्तर कोरियाई नागरिकों के बीच इसे काफी पसंद किया जाता है। अलसा टोंग को बनाने के लिए चीनी और सिरके को मिलाया जाता है। यह डिश विशेष मौकों पर बनाई जाती है जैसे किम सुंग इल की जयंती पर इसको बनाया जाता है। तो आप दोस्तों जान सकते हो कि उत्तर कोरिया में खाने की कमी के बावजूद भी यहाँ के लोग किस तरह से अपने खाने की कमी को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन है इसको प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आगे बेस्ट से बेस्ट वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू सो मच।